कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा 1200, है ना। कितने रुपीस बचे उनके पास 1200, तो यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। ये आपको रफ वर्क में करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृतिका स्टार्टेड अ स्टैंप कलेक्शन। कृतिका इज कार्तिक, सॉरी कार्तिक ने एक स्टैंप कलेक्शन किया। ही कलेक्टेड 118 स्टैंप्स ऑफ ए टाइप। अब एक लड़का है जिसका नाम कार्तिक है, उसने क्या किया 118 स्टैंप, उसको कलेक्शन का बहुत शौक था, ठीक है। उसने 118 ए स्टैंप ए टाइप के यानी एक टाइप खरीदा, जमा किया। और बी टाइप के आपको बताने हैं कितने हो सकते हैं, सम बोला है क्योंकि यहां पे, एंड फोर स्टैंप्स दैट हैड बीन प्रिंटेड बिफोर 900 टाइप सी, ठीक है। तो 1900 के पहले के स्टैंप उसके पास तीन थे, चार थे, ठीक है, जिसको हम टाइप सी में रख रहे हैं। इफ His album can have a maximum of 202 stamps. उसके पास अगर पूरे कुल मिलाकर 202 है stamp, तो आप बताएं कि type B में कितने होंगे, ठीक है? Total stamps number आपको total पता है कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं। जो 202 उसके पास क्या थे? Total stamp. A type कितने थे? Yes. A type कितने थे? 118 थे. और B type का I thought so आपको find करना है. और सी टाइप्स का जो 1900 के पहले के उसके पास कितने थे? चार थे, तो उसको यहाँ पर 4 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, सेम जैसा हमने यहाँ किया था, इन नंबर्स को पहले प्लस कर देंगे, ठीक है। 118 + 4 कितना हो जाएगा, 4 + 8 = 12, 1 ऊपर 2 नीचे, 1 + 1 = 2 और ये 1 को नीचे, 122। इन दोनों को ऐड करने पे हमको मिला 122। अब क्या करना है आपको, इस 200 में से 122 को माइनस करना है, ठीक है। इसको माइनस कर दो, कैरी के लिए माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 0 तो जाएगा नहीं, तो 2 में से 2 गया 0, 10 में से 2 गया 8, 0 में से 0 0, है ना। तो क्या मिला, मतलब उसके पास बी टाइप के स्टैंप कितने थे? 80 थे, 80। तो यहाँ आपको आंसर 80 लिखना है ना। आपके क्वेश्चन बाकी सब में गिवन ना हो, ये पूरा आपको बताना पड़ेगा, है ना। सिर्फ वहां पे क्या है, ड्रॉ दिया हुआ है तुमको, उसको पूरा फिल करना पड़ेगा। देखिए आपको दिख रहा है, ये फिल करना है आपको पूरा, पेज नंबर 37 में। ओके स्टूडेंट्स, ये आप करेंगे। फिर आपको सेकंड क्वेश्चन है, अ क्रिकेट स्टेडियम हैज 25,000 सीट्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। टोटल इतनी सीट्स है कहाँ, एक स्टेडियम में, स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट मैच होता है। It is occupied by 1,289 adults. इतने adults, adults यानी दादा दादी मम्मी पापा, ये सब क्या adults है, जो बड़े लोग हैं, ठीक है। तो ये आंटी सब इसमें आएगा। तो 1,289 कौन थे, adults थे उन seats में। Children कितने थे, 7,860, इतने children थे। अब आपसे पूछ रहा है कि खाली seats कितनी बची, इतनी seats पे इतने लोग बैठे, इतनी seats पे बच्चे बैठे, बाकी सीट्स कितनी बची। टोटल सीट्स आपको पता है, ये पता है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। पहले क्या करना पड़ेगा, सेम वही काम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। तो ऐड कर दो, 1289 + 7860, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 9 + 0 = 9, 8 + 6 = 12, 13, 14, है ना, 14, 8 + 2 = 10 और 11, 7 + 1 = 8 और 9, 9149, ये आपको आंसर मिल रहा है आपको। वो इधर इन दोनों का कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा 25,000 से। क्यों, क्योंकि ये तो वो सीट्स है जिसपे लोग बैठे हैं और आपको पूछ रहा है कितनी सीट्स खाली है। तो टोटल इतनी सीट्स पे लोग बैठे हैं और इतनी सीट्स है, तो अगर हम इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कितनी सीट्स खाली है, ठीक है। तो ये इसको माइनस कर दो 419 से, है ना, ये माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा। तो पहले कैरी करना पड़ेगा, 1
फिर 9 में से 1, 9 में से only 1, तो कितना बचा?